बता दें कि मृतक के पुत्र ने 96,000 का कर्जा लिया था, लेकिन सोसाइटी की तरफ से किसान पर 3 लाख से ऊपर का कर्ज सुनते ही किसान की हालत खराब हो गई, जिसको आनन फानन में इस अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही इस संबंध में जब के न्यूज़ की टीम ने सोसाइटी प्रबंधक से बात की तो उनका कहना है कि किसान के ऊपर 2015 से लेकर अब तक 24,000 की देनदारी बैठ रही थी, इस कारण हमने कर्ज की राशि बता दिया। पंचानवे हजार रुपए कर्ज था हमारा बैंक का। पिताजी ने बताया था 95,000 रुपए अपन पे कर्ज आएगा जी। तो पापा जी 4 दिन पहले बैंक गए और बैंक वालों ने लगभग 3.5 लाख के आसपास उनको को बताया। तो पापा जी ने फिर मुझे फोन करा, मैं भतीजा रहता हूँ, LIC एडवाइजर। खबर सीधी से है जहाँ एक महिला को ससुराल जनों ने घर से निकाल दिया। साथ ही महिला का आरोप है कि ससुराली जनों ने हमेशा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ हमेशा मारपीट करते थे। इतना ही नहीं, बीते दिनों में कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है, साथ ही साथ महिला को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है। जो है थाना बहरी क्षेत्र की फरियादिया के द्वारा यह बताया गया है और तत्संबंध जो है किस प्रकार की स्थिति इस संदर्भ में जो है इसको तत्काल इसको मेडिकल की आवश्यकता है तो उपचार करने के पश्चात जो है तस्दीक की जाएगी। तस्दीक करने पर जो भी है तो उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई करें। भोपाल में अनलॉक 1 में कंट्रोल रूम में हुई बैठक में जिलाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर 8 जून से धर्म स्थल न खोलने का फैसला लिया है। हालांकि बैठक में मॉल से संबंधित भी बातचीत की गई। भोपाल के सभी धर्मगुरुओं से अनुरोध किया गया था, वो यहाँ पे उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा ये फीडबैक दिया गया है कि अभी वो कुछ तरह से इसको खोलने में थोड़ा सा एक हिचकिचाहट है, वो तैयारी के लिए थोड़ा सा समय चाहते हैं और वो तैयारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सैनिटाइजर की बात हो या साबुन की बात हो, हाथ धोने की बात हो, मास्क की बात हो, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि कल से धार्मिक स्थल भोपाल में अभी नहीं खुलेंगे। एक रिव्यू और होगा इसका, उनके साथ बैठक होगी, बात होगी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको अगले सप्ताह से खोला। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपाड़ी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं, कोरोना पर सबसे भरोसेमंद संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं, सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रमाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्यारसपुर के वार्ड नंबर 13 और 14 के शहरवासियों ने शिकायत की है कि नालियों का पानी की निकासी न होने के कारण एक जगह पानी इकट्ठा हो रहा है। पानी धीरे धीरे रिस रिस कर बोरवेल से निकल रहा है, जिससे लोग उल्टी दस्त के शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में जब ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि से बात की गई तो उनका कहना है कि कॉलोनाइजर द्वारा सही प्लाट नहीं कटने से समस्या आ रही है। ग्रामवासियों का कहना है कि
हम भी कई बार जनपद से लेकर एसडीएम कार्यालय शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत ग्यारहसोन में अधिकतर वार्डों में सीसी रोड का कार्य चालू है एवं नाली निर्माण का भी कार्य चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कॉलोनियां द्वारा निकाली गई हैं उनमें हमें पंचायत को कोई ऐसी प्लानिंग करके नहीं दी गई है कि नाली यहां से निकाल कर पानी यहां पर उतारा जाए। इसलिए हमें जे 13-14 वार्ड में हमें नाली बनाने में एवं सोखता टैंक बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए तमाम दावे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी क्यों न कर लें, पर रेत माफिया पुलिस का गठजोड़ किसी न किसी रूप में उजागर होता रहता। ग्वालियर जोन के आईजी राजा बाबू सिंह रेत पर लगाम लगाने के लिए भले ही कितना भी प्रयास क्यों न कर लें, पर अधिकारी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला देहात के गिजौरा थाने का है, जहां जब्त जेसीबी मशीन को थाना प्रभारी रातों रात चलवाते हैं, लेकिन किस्मत खराब होती है कि मशीन खराब हो जाती है और डबरा पहुंच जाती है। जब मशीन सही हो रही होती है तो मशीन मालिक वहां पहुंच जाता है और विवाद हो जाता है। मशीन डबरा सिटी थाना में पहुंच जाती है, तभी से पुलिस अधिकारी इस मामले को दबाने या कहें कि सुलटाने में लगे हुए हैं। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वह सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल हों या एसडीओ, कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, जबकि मशीन मालिक के आवेदन पर ही सिटी पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची थी और मशीन का विवाद के चलते थाने में लाकर रखवाया गया था। ऐसा नहीं है कि इस मामले में से वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी नहीं है, पर सभी मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए, कल ही ये मामला मेरे एक स्ट्रे इंसिडेंट है नोटिस में आया था। ये कोई जेसीबी मशीन जो वहाँ के एसडीएम ने वहाँ जब्त करके थाने में रखी थी, अगर वो जब्त हुई थी लीगल तरीके से तो उसको रिलीज करने का एक लीगल प्रोसीजर है, उसको रिलीज होना चाहिए था एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है उसके आदेश से। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की अगुवाई में किसानों ने मंदसौर गोलीकांड में शहीद हुए किसानों की तृतीय बरसी पर सिलवानी मंडी में श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा शांति के लिए हवन किया, और किसान संघ ने प्रधानमंत्री के नाम 5 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शाजापुर में अस्पताल वालों की दादागिरी देखने को मिली है। यहां स्थित सिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने आए बुजुर्ग की बेटी का आरोप है कि डॉक्टरों ने 5 दिन तक मरीज का इलाज नहीं किया। इस दौरान 2 बार उन्होंने इलाज के खर्च के रूप में 6,000 और 5,000 की राशि जमा कराई थी। वहीं परिवार वालों ने पैसे न होने के कारण जब मरीज को डिस्चार्ज करने की बात कही तो डॉक्टरों ने 11,270 रुपए का बिल थमा दिया, साथ ही अस्पताल ने फाइल भी नहीं दी। वहीं जब मरीज को लेकर अस्पताल से जाने लगे तो बुजुर्ग मरीज को पलंग से बांध दिया। कोरोना जैसी महामारी को लेकर जहां शासन ने मनरेगा योजना गरीबों के लिए चालू की है, वो योजना सचिवों के लिए वरदान साबित हो रही है। आपको बता दें कि सिलवानी मुख्यालय से सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत कुडाली में मनरेगा से खेत तालाब बनाया जा रहा है, जहां जमकर दबंगों द्वारा जेसीबी मशीन का उपयोग किया जा रहा है और मजदूरों का हनन किया जा रहा है। वहीं सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिए हैं कि अगर मनरेगा में भ्रष्टाचार पाया गया तो अधिकारी सहित कर्मचारियों पर FIR दर्ज की जाएगी। अधिकारी प्रदेश के मुखिया के नियमों और आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रोजगार गारंटी योजना के नियमानुसार यदि काम हुआ है तो ठीक है, यदि गलत तरीके से काम करके राशि निकाली गई है तो उसकी हम परीक्षण कराएंगे। अभी आपके द्वारा बताया गया कि इस तरह का मामला है, इसकी छानबीन करने के पश्चात ही आपको यथास्थिति। जुन्नार देव के परसिया विधानसभा की सबसे महत्वाकांक्षी बहुप्रतीक्षित कोयला खदान का उद्घाटन कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंटर के माध्यम से रिमोट दबा कर किया। वहीं कोयला मंत्री ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि ये छिंदवाड़ा जिले और कन्हान के चेरिया के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। धनकशा और शारदा प्रोजेक्ट माइंस खुलने से करीब 5500 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे कोयलांचल की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वहीं शारदा प्रोजेक्ट और धनकशा के उद्घाटन पर श्रमिक संगठनों और कोल मजदूरों ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। Mount Litera Z School, Mundao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Litera Z School, Mundao. जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, टीवी 9 भारतवर्ष पर हर रोज। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माधव, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वीरेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंदर चौहान, रजनीश त्रिपाठी, के न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सारथी।